नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पृथ्वी आर्किटेक्चर में। दोस्तों यहाँ पे जो आप बिल्डिंग देख रही है ये डुप्लेक्स है दोस्तों, 3 BHK डुप्लेक्स है यहाँ पे, जिसमें ग्राउंड फ्लोर पर आपको 1 BHK मिलेगा और ऊपर में 2 बेडरूम मिलेंगे। इसका टोटल कंप्लीट कारपेट एरिया 1020 स्क्वायर फीट है दोस्तों। तो यहाँ पे सबसे पहले इसका एलिवेशन देख लीजिए, इसका फ्रंट एलिवेशन किस तरह से डिज़ाइन किया गया है आप देख सकते हैं। कॉर्नर प्लॉट है यहाँ पे देख सकते हैं, राइट साइड में रोड दिया गया है, फ्रंट साइड में भी आपको रोड मिलेगा और एलिवेशन आप इस तरह से देखते हैं। बालकनी यहाँ पे आपको मिल जाएंगी फ्रंट में, एलिवेशन काफ़ी अच्छा है, कलर कॉम्बिनेशन भी काफ़ी अच्छा है। मेन गेट सामने से हमारे को मिलता है जहाँ से हम एंट्री करते हैं। ऊपर में आपको टावर भी मिल जाएगा दोस्तों एलिवेशन के लिए। कॉर्नर एलिवेशन है, राइट साइड का एलिवेशन सिंपल दिया गया है, बाउंड्री वॉल आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो सबसे पहले अभी हम एंटर करेंगे बिल्डिंग में, तो सबसे पहले हमारे को मेन गेट मिलता है। मेन गेट्स के जस्ट सामने में आपको कार पार्किंग मिलती है दोस्तों। कार पार्किंग यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पूरा आपका कंप्लीट कार पार्किंग का एरिया मिल जाता है। यहाँ पे आप इजीली अपनी कार पार्क कर सकते हैं, लगभग 16x14 के स्पेस में आपको कार पार्किंग एरिया मिल जाता है। राइट साइड में आपको गैलरी मिल जाएंगी 4 फीट की, पीछे में थोड़ा स्टेयरकेस का एरिया छोड़ दे तो थोड़ा और ज़्यादा हमारे को बालकनी मिल जाएगी, वहाँ पे 5 से 6 फीट की हमारे को गैलरी मिल जाएंगी। तो ये वेंटिलेशन का काम करेगा दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हमारा मीटर लगा है। इसके बाद प्लॉट के लेफ्ट साइड में अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे आप चाहे तो गार्डन भी डेवलप कर सकते हैं आगे, यहाँ पे फ़िलहाल टाइल्स लगाई गई है। तो यहाँ पे ओपन पोर्च दिया गया है और इसके बाद हम अभी यहाँ से ड्राॅइंग रूम में एंटर करते हैं दोस्तों। तो ड्राॅइंग रूम यहाँ पर हमारा फ्रंट में आएगा, प्लिंथ जो हमारा पार्किंग एरिया से प्लिंथ है वो 1 फीट का रहेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ड्राइंग रूम में एंटर करते हैं। तो ड्राइंग रूम यहाँ पे आपको मिलेगा दोस्तों 12x16 का बड़ा सा ड्राइंग रूम का एरिया मिल जाएगा, काफ़ी अच्छा सा साइज़ है, वेल फर्निश्ड बिल्डिंग है ये, यहाँ पे देख सकते हैं इसका वेल। यहाँ पे सामने में आपको विंडो मिल जाएंगी वेंटिलेशन के लिए, काफ़ी अच्छा वेंटिलेशन है यहाँ पे, जैसा कि मैंने बताया आपको सामने में पोर्च है। डोर देख सकते हैं, डोर का क्वालिटी देख सकते हैं कितना अच्छा है डोर का क्वालिटी, यहाँ पे आपको डोर का क्वालिटी देख सकते हैं। तो ये आपका पूरा कंप्लीट ड्राइंग रूम है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कितना अच्छा है। कॉर्नर सोफ़ा आपका यहाँ पे आ जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया वेल फर्निश्ड मकान है ये, तो यहाँ पे कॉर्नर सोफ़ा आ जाएगा। वहाँ पे आपको टीवी यूनिट मिलेगा, उसके बाद आपको किचन मिलता है और उसके बाद यहाँ पे राइट साइड में आपको बेडरूम मिलता है जो कि मास्टर बेडरूम रहेगा। और यहाँ पे आपको स्टेयरकेस मिल जाती है, तो यहाँ पे 6x12 फीट में आपको स्टेयरकेस मिल जाएंगी। इसकी रेलिंग वगैरह आप देख सकते हैं, स्टेयरकेस के नीचे स्टोरेज बनाया गया है। जहाँ तक अगर मैं फॉल सीलिंग की बात करूँ तो फॉल सीलिंग आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी फॉल सीलिंग की गई है दोस्तों। मकान पूरा कंप्लीट है, यहाँ पे देख सकते हैं ये फॉल सीलिंग कुछ इस तरह से की गई है। सामने में आपको टीवी यूनिट जैसा कि मैंने बताया आपको। अभी इसके बाद हम यहाँ पे किचन देखेंगे, किचन देखने से पहले यहाँ पे मैं छोटा सा आपको एक स्पॉट दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पे चाहे कुछ लोग यहाँ पे मंदिर डेवलप कर सकते हैं, ये यहाँ पे फ़िलहाल मंदिर वगैरह नहीं डेवलप किया गया है, ये क्लाइंट के पर्पज़ से डिज़ाइन किया गया था, तो आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों। एक बात बता दूँ, ये मकान सेलिंग के दृष्टिकोण से बनाया गया है, तो अगर आप इसको परचेस करना चाहते हैं तो ये नागपुर में लोकेटेड है। यहाँ मैं आपको कॉन्टैक्ट डिटेल स्क्रीन पर दिख रही होंगी, आप उन्हें कॉन्टैक्ट ज़रूर कर सकते हैं अगर आप इसको परचेस करना चाहते हैं। तो ये हो गया दोस्तों। इसके बाद हम ड्राइंग रूम के बाद किचन देख लेंगे। किचन देख सकते हैं दोस्तों, कंप्लीट मॉड्यूलर किचन है, यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा आपको। यहाँ पर माइका वगैरह का कॉम्बिनेशन देख सकते हैं, काफ़ी सिंपल और काफ़ी अच्छा माइका प्रोवाइड किया गया है। ये किचन है दोस्तों, किचन के अगर मैं साइज़ की बात करूँ यहाँ पे, तो आपको जो किचन का साइज़ मिलेगा लगभग 8x12 फीट में मिल जाएगा दोस्तों। किचन का साइज़ काफ़ी अच्छा साइज़ है, एल शेप में किचन है, पीछे यूटिलिटी एरिया मिल जाता है आपको, यहाँ पर स्टोरेज के लिए काफ़ी सारा स्पेस है यहाँ पर आप देख सकते हैं। और मॉड्यूलर किचन की क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ तो क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, यहाँ पर देख सकते हैं राइट साइड में भी इस तरह से मॉड्यूलर किचन का काम हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अगर मैं थोड़ा सा इसको दिखा दूँ तो ट्रॉलीज़ वगैरह आप देख सकते हैं किस तरह से इसकी ट्रॉलीज़ है, क्वालिटी अच्छी है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं। जस्ट अभी वर्क फिनिश हुआ है, क्लीनिंग वगैरह बाकी है मकान की। यहाँ पे आप चिमनीज़ वगैरह देख सकते हैं,
पीछे में वेंटिलेशन के लिए विंडो मिल जाएंगी और यूटिलिटी एरिया मिल जाएगा। यहाँ पे वॉश बेसिन भी आपको मिल जाता है। इसके बाद मैं यूटिलिटी एरिया दिखाना चाहूँगा आपको। 4x8 फिट का ये यूटिलिटी एरिया मिल जाता है, काफ़ी अच्छा यूटिलिटी एरिया है। बर्तन वगैरह धोने के लिए आपको एक अलग से स्पेस चाहिए, तो वेंटिलेशन का भी काम हो जाता है और आपका यूटिलिटी एरिया का भी काम हो जाता है। तो ये हो गया दोस्तों किचन, यहाँ पर देख सकते इस तरह से किचन। ये हमारा फ्रंट में ही ड्राइंग रूम है, ये ड्राइंग रूम हो गया, वहाँ पे स्टेयरकेस हो गई, यहाँ पे एक छोटा सा हमने डिज़ाइन किया था, ये देख सकते हैं आप। इसके बाद अभी हम मास्टर बेडरूम की ओर एंटर करेंगे। ये किचन और यहाँ पे मास्टर बेडरूम। तो मास्टर बेडरूम यहाँ पे देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा मास्टर बेडरूम डिज़ाइन किया गया है। वेल फर्निश्ड मास्टर बेडरूम यहाँ पे डिज़ाइन किया हुआ है दोस्तों। पीछे में बैक साइड में देखेंगे तो कंप्लीट वार्डरोब दिखेगा। वहाँ पे जो डोर दिख रहा है वहाँ पे आपको अटैच वॉशरूम मिल जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे जो मास्टर बेडरूम का साइज़ है वो 10x15 फिट का मिल जाएगा दोस्तों आपको। वार्डरोब वगैरह आप देख सकते हैं। फॉल सीलिंग की अगर मैं बात करूँ तो फॉल सीलिंग यहाँ पे देख सकते हैं, काफ़ी अलग से यूनिक डिज़ाइन दिया गया है। हम काफ़ी बार फॉल सीलिंग देखते तो वही टाइप की होती है, लेकिन यहाँ पे जो फॉल सीलिंग का डिज़ाइन है वो काफ़ी यूनिक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो मटेरियल है पूरा कंप्लीट क्वालिटी मटेरियल दिया गया है दोस्तों। यहाँ पे क्वालिटी आप देख सकते हैं किस तरह से क्वालिटी है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ वार्डरोब की, यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी अच्छा स्टोरेज मिल जाता है दोस्तों आपको। यहाँ पे देख सकते हैं अंदर से भी आप इस तरह से, ये पूरा का पूरा हमारा वार्डरोब डिज़ाइन किया हुआ है। यहाँ पे इसको देख सकते हैं, आपको लॉकर वगैरह सब कुछ मिल जाता है इसमें दोस्तों इस तरह से। ऊपर में भी आपको वार्डरोब मिल जाएगा यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद फ्रंट में आपको टीवी यूनिट मिल जाता है। टीवी यूनिट का डिज़ाइन देख सकते हैं आप, काफ़ी यूनिक डिज़ाइन है यहाँ पे। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि वेल फर्निश्ड मकान है, 10x14 फिट का ये बेडरूम का साइज़ है मास्टर बेडरूम का। यहाँ पे देख सकते हैं इसका वर्किंग किस तरह से किया गया है टीवी यूनिट का। यहाँ पे आप सेंटर में टीवी यूनिट लगा सकते हैं दोस्तों। लाइटिंग सिस्टम देख सकते हैं इंटीरियर में किस तरह से इसका लाइटिंग सिस्टम यहाँ पे दिया गया है। लेफ्ट साइड में वेंटिलेशन की बात करूँ तो आपको 4x4 का विंडो मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा वेंटिलेशन प्रोवाइड करता है मकान के लिए। उसके बाद अटैच वॉशरूम अगर हम देख ले तो अटैच वॉशरूम यहाँ पे दिया गया है। 4.5x7 फिट का अटैच वॉशरूम मिल जाएगा, जिसमें आपको पूरा वेस्टर्न कमोड से लेकर आपको वॉश बेसिन सब कुछ मिल जाएगा दोस्तों। टाइल की अगर मैं बात करूँ तो टाइल यहाँ पे देख सकते हैं आप, काफ़ी अच्छी टाइल वगैरह यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। तो अभी हम निकलेंगे ड्राइंग रूम की तरफ और इसके बाद हम जाएंगे फर्स्ट फ्लोर, और फर्स्ट फ्लोर पर देखेंगे कि किस तरह से इसका फर्स्ट फ्लोर पर डिज़ाइन किया गया है। तो यहाँ स्टेयरकेस से हम फर्स्ट फ्लोर के लिए एंट्री करते हैं। तो फर्स्ट फ्लोर पर 2 बेडरूम मिल जाएंगे दोस्तों। यहाँ पे हेडरूम के लिए देख सकते हैं जो स्टेयरकेस वाला एरिया है वहाँ पे ग्लास प्रोवाइड किया गया है। इसके बाद राइट साइड में टर्न लेते हुए हम फर्स्ट फ्लोर पर जाएंगे। फर्स्ट फ्लोर पर आपको पूजा रूम मिलेगा दोस्तों। बीच में ये लॉबी एरिया है, लॉबी एरिया में ही पूजा रूम मिलता है। तो वो पूजा रूम यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है। यहाँ पे छोटा सा टेंपल हमने बनाया है, यहाँ पे देख सकते हैं वेल फर्निश्ड है। ये लॉबी एरिया है, ये आपको 8x12 के आसपास मिल जाएगा इसका एरिया। ऊपर में फॉल सीलिंग देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी फॉल सीलिंग दी गई है दोस्तों, यूनिक है। ऊपर में हमारे को 2 मास्टर बेडरूम मिलते हैं दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं 10x10 का लेफ्ट साइड में एक मास्टर बेडरूम है, जिसमें आपको लेफ्ट साइड में एक बालकनी भी मिल जाती है। इसका फॉल सीलिंग भी देख सकते हैं आप, किस तरह से फॉल सीलिंग का डिज़ाइन है इसका। ये इसका फॉल सीलिंग का डिज़ाइन है दोस्तों। सामने में आपको विंडो मिल जाएंगी, लेफ्ट साइड में आपको अटैच वॉशरूम मिल जाएगा। लगभग 4x10 फिट का आपको यहाँ पे वॉशरूम मिल जाएगा। यहाँ पे भी आपको वॉश बेसिन, वेस्टर्न कमोड वगैरह मिल जाता है। बालकनी देखेंगे तो बालकनी में आपको ग्लास रेलिंग मिल जाएंगी। 3 फिट की बालकनी है यहाँ पे, 3x10 फिट की आपको बालकनी भी मिल जाएंगी। बालकनी से व्यू देख सकते हैं सामने का, सामने काफ़ी अच्छा गार्डन्स वगैरह यहाँ पे दिखता है। तो यहाँ पे कॉर्नर प्लॉट होने की वजह से काफ़ी अच्छे बेनिफिट है। लोकेशन देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे सामने में इस तरह से। तो आप कॉन्टैक्ट ज़रूर कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल स्क्रीन पर अवेलेबल है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट बेडरूम है उसे भी हम देख लेते हैं, नेक्स्ट बेडरूम का साइज़।
इसके बाद अगर मैं बेडरूम की बात करूँ तो 10x15 फीट का बड़ा सा बेडरूम मिल जाता है, जिसमें दोनों तरफ से आपको विंडो मिल जाएंगे वेंटिलेशन के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं एक विंडो यहाँ पे और एक विंडो यहाँ पे, और फॉल सीलिंग देख सकते हैं, फॉल सीलिंग भी काफ़ी अच्छा किया गया है। यहाँ पे लाइटिंग सिस्टम वगैरह देख सकते हैं फॉल सीलिंग का। 10x15 फीट काफ़ी अच्छा बड़ा सा साइज मिल जाएगा। यहाँ पे जो टाइल्स वगैरह प्रोवाइड की गई है ग्लोजी फिनिश में प्रोवाइड की गई है, 2x4 की टाइल्स है, काफ़ी अच्छी प्रीमियम टाइल्स है दोस्तों ये, तो यहाँ पे देख सकते हैं। ये आपको कंप्लीट 10x15 का अच्छा सा बेडरूम मिल जाता है दोस्तों, काफ़ी अच्छा सा बड़ा सा साइज है। उसके बाद हम यहाँ पे रिटर्न यहाँ पे आ जाते हैं लॉबी एरिया में। लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे, लेफ्ट साइड की अगर मैं बात करूँ तो लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे ओपन टेरेस मिल जाएगा दोस्तों, तो ये वेंटिलेशन का भी काम करता है। इस तरह से ये कंप्लीट डिज़ाइन है दोस्तों। अगर आप इस मकान को परचेस वगैरह करना चाहते हैं तो आप ज़रूर कॉन्टेक्ट करें। तो इसी के साथ आज का हमारा वीडियो कंप्लीट होता है।